नमस्कार दोस्तों, मैं इनसाइडर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर। चलिए देखते हैं इसको हमने बनाया कैसे। तो ये जो देख रहे हैं, ये बॉक्स बनाया हमने। सो इसका कंप्लीटली अंदर का व्यू आपको मैं दिखा देता हूं। ये जो है सैनिटाइजर बॉटल रखा है हमने, यहाँ पे जो बैटरी पावर सोर्स है, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर है, जो आर्डिनो नैनो यूज किया हमने। यहाँ पे जो ड्राइवर सर्किट है, मतलब कि रिले जैसा काम करेगा, जो वाटर पंप इसमें हमने सबमर्ज किया है। तो हमारा जो मेन सेंसर है आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएगा। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट सेंसर है, आईआर सेंसर है। जब भी कोई तो ऑब्जेक्ट इसके नजदीक जाता है, सो एक कंट्रोलर को उसको सिग्नल भेजता है। चलिए देखिए काम कैसे करता है। ये जो है पावर बटन है, मैं ऑन कर देता हूं। अगर मैंने हाथ मेरा सेंसर के पास ले लिया, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है और पंप को लगभग 2 से 3 सेकंड तक ऑन कर देता है। चलिए मैं और एक बार दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सैनिटाइजर आपको खुद बना, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी, ठीक है, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर है, जो आर्डिनो नैनो, सो सबसे छोटा मिलता है रेगुलरली। आर्डिनो नैनो मैंने यूज किया है। बैटरी आप डायरेक्ट पावर अडेप्टर दे सकते हो या बैटरी और विथ केस दे सकते हो। सो इसको जो पंप है, 9 वोल्ट या 5 वोल्ट का पंप है, जो भी आप यूज कर सकते हो, जो आपको मिलेगा आसानी से। और ड्राइवर सर्किट या रिले, सिंगल चैनल रिले या ड्राइवर सर्किट, जो भी यूज कर सकते हो। हमारा जो मेन सेंसर है वो ऑब्जेक्ट सेंसर है, आपको बल्कि आईआर सेंसर भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है, ये आपको लगभग 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन बेसिक जो कोडिंग रहता है हमने कैसे किया। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आईआर सेंसर, तो 2 मतलब कि मैंने कंट्रोलर पे 2 नंबर पे कनेक्ट किया है, और जो पंप का वायर है मैंने 4 नंबर पे कनेक्ट किया है। सो यहाँ पे जो कंडीशन, इफ कंडीशन दिया जाता है कि स्टेटमेंट, तो कई सेंसर जो रहते हैं उसका अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो वैल्यू 1 देता है, कई सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो 0 देता है। सो हमारा सेंसर है, जब कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो 0 देता है। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन दिया है। सो बाद में अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है वो, तो 50 मिली सेकेंड के बाद पंप ऑन हो रहा है। जो ये कंडीशन है पंप हाई, इसको पंप ऑन कर देता है फॉर 150 मिली सेकेंड तक, ठीक है, फिर ऑफ हो जाता है। तो एल्स कंडीशन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो पंप को ये ऑफ बनाए रखता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने ना भूलिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।